तो एक घी हमने डाल लिया, थोड़ा कलर तो काला आएगा क्योंकि वे कूटू के आटे का है तो काला। नए नए एक्सपेरिमेंट तो हम करते ही रहते हैं, कभी कुछ बना के कभी कुछ बना के। धरती गगन होती है तेरी जय जय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम तो अच्छे हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छे हों। और नवरात्रि का आज है चौथा दिन, एक दिन हमने वीडियो नहीं बनाई है, अभी दूसरे दिन की तो डली भी नहीं। और हम है ना बना के आ रहे हैं, पता है ऐसा हलवा कोई नहीं बना रहा होगा जैसा हम बना रहे हैं। कुट्टू के आटे का हलवा। क्योंकि नमक के आलू खा के ना हम बोर हो गए, हमने सोचा आज मीठा ट्राई करते हैं, तो हलवा बनाते हैं। और बाकी हमारी पूजा पाठ तो अपना चल ही रही है। ये खाएं, ज्योत जल रही है मंदिर में, और मेरे जो भी निकल आए ये देखो कम निकले हैं पर कुछ दिख रहे हैं, कुछ नीचे हैं अभी। और अपना चलो तो हलवा बनाते हैं और दिखाते हैं कैसे बना। ओहो लग गया इतनी देर में। तो ये बेसन का हलवा याद आ रहा, तो ये कूटू के आटे को हम थोड़ा सा भून लें और फिर इसमें डालेंगे घी, ठीक है? ड्राई फ्रूट तो है नहीं। तो ऐसे ही खा लेंगे आज घर में। तो ये लगभग भून गया, अब इसमें घी डालूँ तब दिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि नहीं जल जाएगा ये। तो ये घी हमने डाल लिया, थोड़ा कलर तो काला आएगा क्योंकि वे कूटू के आटे का है तो काला होता है कूटू का आटा, तो कलर पे मत जाना, स्वाद देख के बताएंगे स्वाद खा के कैसा होगा हलवा, ठीक है? नए नए एक्सपेरिमेंट तो हम करते ही रहते हैं, कभी कुछ बना के कभी कुछ बना के। तो आज हलवे का स्वाद देखते हैं, पंखा बंद करो। तो ये भून तो गया है, अब इसमें मैं पानी और चीनी ऐड कर देती हूँ। तो चलो इसमें पानी करते हैं ऐड धीरे धीरे। और करते हैं थोड़ा सा वाट बनेगी। हाय हाय हाय, रुक जा, बच गया। लगता नहीं गांठ बन जाती है अभी। पानी तो ऐड कर, चीनी और डाल दो। थोड़ा अच्छा मीठा डाल देते हैं, कई दिन से मीठा खाया नहीं है तो हलवा मीठा खाएंगे। कलर तो मत जाना भाई, काला कलर बेशक है, स्वाद बताएंगे कैसा बनेगा। बिगाड़ा तो है हमने फिर कुछ बनाया नहीं आपने पहले? नहीं पहले बनाया। एक्सपेरिमेंट के हम तो महाराजा हैं, करते रहते हैं चाहे बिगड़ जाए चीज। तो खा के पता चलेगा स्वाद कैसा है, वरना कलर देख के तो खाएगा नहीं कोई। तो बना लेते हैं, वैसे तो हो ही गया, थोड़ा सा पका लें फिर स्वाद बताएंगे कैसा है। तो अब खा लिया है, वही कलर तो कैसा ही है। और इधर अपनी चाय भी बनने रख दी है, और अब पहले लगाते हैं भगवान जी को भोग, क्योंकि व्रत का ही खाना भगवान जी भी खा रहे हैं ना हमारे। चलो। तो ये लगाएंगे पहला भोग। माता रानी को लो, माता रानी खा लो। इधर भी हैं, इधर गणेश जी हैं, इधर माता रानी हैं। और फिर लगाएंगे अपने अपने कन्हैया जी को, लो हलवा खा, आज नए तरीके का हलवा मिल रहा तुम्हें, स्वाद भी बता दियो कैसा। ठीक है, तो चलो भोग हमारा लग गया है, अब हम भी करेंगे टेस्ट अपने खाने का। थोड़ा सा आ रहा है ना, लाइट नहीं जला रही थी, मैं कम जल रही हूँ पाएगी, तो लाइट डाउन हो गई अपनी जिससे हम वीडियो बनाते हैं। ये देखो हार उसको कुटी, इनकी छुट्टी चल रही ना, इन्हें 15 दिन से दिमाग सड़ा रखा, 15 दिन की और हुई है। तो हलवा टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है टेस्ट। थोड़ा अलग है, जैसा आटे का हलवा नहीं होता इस तरीके का, पर ठीक है। और देखो इतनी चीनी डाली थी ना, फिक्का रह गया,
तो एक चीज़ है कि कुट्टू के आटे के हलवे में थोड़ा चीनी फालतू डालो, मीठा अच्छा होगा, फीका है थोड़ा सा पर ठीक है, इतना स्वाद तो नहीं जितना सूजी का और बेसन का लगता, नॉर्मल है, शायद थोड़ा सा और पकाती मैं, थोड़ा सा हल्का आटा कच्चा लग रहा है। तो अगली बार बनाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पका लेंगे आटे को, कलर की वजह से मैं थोड़ा कम पकाया था क्योंकि काला लग रहा था, मैं सोचा भुन गया, नहीं स्वाद लग रहा, देख ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, नहीं अच्छा लगा तुझे, ठीक है तो तू मत खा, मैं अगर पापा खा लेंगे, लक्की को अच्छा नहीं लगा, मेरे को भी नहीं लगा, तुझे भी नहीं लगा, बच्चों को तो वैसे भी कलर देख कर अच्छा ना लग रहा होगा पर मुझे ठीक लग रहा भाई, इतना बुरा नहीं है, ये तो नखरे करते हैं, बहुत अजीब से लग रहा है, अच्छा है, मतलब व्रत में जैसा नमक का ही खा रहा है ना, मीठा खाने को जी कर रहा है, तू नहीं झूठा करना ऐसा, नहीं कर रहा, देख रहा हूँ, तो ठीक होता है, मीठा भी खा सकते हैं। शाम की पूजा करेंगे, पूजा का समय हो रहा, चलो बिंदी भी हट गई हैगी, पहली बिंदी है, दिखाई नहीं दे रही, तो पूजा कर लेती हूँ, फिर कुछ बनाएंगे, मतलब घर का खाना, अपने लिए आलू छोंकेंगे क्योंकि मीठा ना खा के बस अजीब सा हो जाता है, तो आलू छोंकूंगी थोड़े से, नमक का हो जाएगा, लक्की भी खा ले, लक्की ने हलवा नहीं खाया, घी डाल देती हूँ पहले, आज का हमारा चौथा नोट अभी ख़त्म होता है, कल मिलेंगे कल की वीडियो में, तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बोलो जय माता दी, बाय, गुड नाइट।